ओके व्यूअर्स, आप सभी को नमस्कार। तो व्यूअर्स, आप लोग को ये सोसाइटी को ये एंटायरली लेगोबांगो पब्लिक को ये बताना बहुत अच्छा लगेगा और अच्छा लग रहा है। जैसे कि उन लोग का लेगोबांगो का जो यूथ लोग है, तीन यूथ से जो आपका मीरम बीलक का है, तो उन्होंने सुना इस बार का नेशनल जो आर्म रेसलिंग में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने बहुत अच्छा मेडल भी लेके आए। तो जस उन लोग को पूछना चाहते हैं, सोसाइटी उन लोग को यहाँ फेलिसाइट कर रहा है, उसको वेलकम कर रहा है, कैसा फील कर रहा है, और जस पब्लिक को उन लोग का नाम किया उसको थोड़ा पूछ देता आप लोग को। ओके, कॉन्ग्रेचुलेसन। ओके, आपका नाम? ओके, आपका नाम? मेरा डायरी। ओके, आपका नाम? तो ओके, ये बहुत अच्छा बात है। आप लोग विनिंग करके आप लोग को ये जानना चाहते हैं, जैसे कि आप लोग का बस्ती, आप लोग का पेरेंट्स लोग, आप लोग का दोस्त लोग, आप लोग यहाँ हम लोग का अरुणाचल असम का गेट पे है, आप लोग को वेलकम कर रहा है, तो आपको कैसे फील कर रहा है? बहुत अच्छा। ओके, आपको? वेल, मतलब इतना हम तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा बस्ती इतना हम लोग को सपोर्ट करेगा ना, लेकिन आज इतना मतलब कि वो इतना वार्म वेलकम किया हम लोग को, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत मतलब बहुत ऐसे अच्छा फील कर रहे हैं अभी। ओके, आपको कैसा लगा? अच्छा फील हो रहा है, सभी को थैंक यू। ओके, वेरी नाइस। तो चलते चलते पब्लिक को, उसका एक मम्मी है, तो शान का मम्मी भी है, मम्मी को थोड़ा पूछना चाहते हैं। उसका बेटा गोल्ड मेडल लेके आया, एज ए मम्मी, एज ए पेरेंट होके, आपका भिलाट का एक वोमेन होके, उसका बेटा गोल्ड मेडल लेके आया, माँ कितना प्राउड फील कर रहे उससे जानना चाहते हैं। तो मैडम, क्या लगता है आपका बेटा, जैसे कि आप रेसलिंग में आपका गोल्ड मेडल लेके आया, आप क्या कितना खुशी है? ओके व्यूअर्स, ये कहना गलत नहीं है, रियल बात है। जैसे कि हम लोग का सोसाइटी में जो भी अच्छा फील में अच्छा ये रिकॉर्ड लेके आता है, पब्लिक ऐसा सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। देखा आज जैसे कि हम लोग का ये कहने से भी रियल बात है, हम लोग का ये एरिया पे, ये लेगोबांगो एरिया पे ऐसा आम रेसलिंग में अभी तो कोई भी ऐसा रिकॉर्ड लेके नहीं आया, इस बार पास्ट एबार लेके आया, इसलिए ये यहाँ का पब्लिक भी बहुत खुशी हो रहा है, बहुत सपोर्टिव हो रहा है। तो ये एक सीनियर ये उधर का पब्लिक पूछना चाहते हैं, उन लोग बस्ती का एरिया का होके उन लोग को कितना विशिंग करता है, कितना प्राउड फील कर रहा है, और फ्यूचर में भी ये लड़का, ये लड़की लोग या यूथ लोग ऐसा चीज़ पर पार्टिसिपेट करने के वो कैसा फीलिंग करते हैं उससे जानना चाहते हैं। ओके सर, आपका नाम? अविंदन। ओके सर, ये अपना ये एक एरिया का लड़का लोग ऐसे इतना इतना अच्छा लॉरेंस लेके आया, मेडल लेके आया, एज आप एरिया का एक यूथ होके, एक तो कॉन्शियस सिटीजन होके, आप कैसा फील करता है, क्या बोलते हैं? सर देखिए, अभी तो हम लोग क्या बोलेगा, अभी बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि हमारा गाँव का ये युवा लोग ने इतना जीता जागता नमूना दिखाया है कि एक नेशनल लेवल का लॉरेल्स लेके आया है, जैसे कि एक गोल्ड मेडल, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, तीनों का तीनों लेके आया है। तो हम लोग बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हम ये बोलना चाहूँगा कि जो पहले वाला हमारा विमान विराट बामन जो है, अभी विराट बामन पहले जैसे नहीं रहा, कि अभी यहाँ का लोग भी, यहाँ का युवा लोग भी बहुत अभी मतलब आगे निकल रहा है, तो इस बात को लेके मैं बहुत खुश हूँ। एक आम आदमी हो के वो लोग लड़का लोग मेडल लेके आया है, आप क्या सोचता है, कितना क्या बोलता है? हम उसको बहुत खुशी मानता है, उसको ये हमारा अरुणाचल का तरफ भी होता है और ये हमारा आदि गालों का भी होता है और हमारा नीनों के लिए भी होता है, ऐसा बहुत ये नाम दिखाना है, ये हम
हमेशा के लिए बहुत अच्छा लगता है। एक दिन ये सर थोड़ा सा, अच्छा सर जी आप इस स्पोर्ट्स में बहुत इतने से सोसाइटी पे हम लोग आदि पाने के बारे में भी जो खेल होता है आप बहुत समय रोल लेते हैं, तो आपको ये जानना चाहते हैं जैसे कि ये कोयू है वो आपका शायद इंजर होके आया है तो बहुत अच्छा कॉम्पीट भी किया लेकिन वो आज लेके नहीं आया, फिर भी आप यहाँ का बिलक आदमी होके उसको फ्यूचर में क्या करना चाहिए, उसको क्या एडवाइस है आपका? वैसे खेल में देखा जाए तो खेल में तो कोई हमेशा जीत नहीं पाता है, कभी कभी हार भी सामना करना पड़ता है, फिर भी मैं उसे मेरा भाई को यही संदेश देना चाहूँगा कि हमेशा हमेशा खेलते रहना है, जीत एक बार आएगा, कहते हैं कि कोशिश करने वाला कि कभी हार नहीं होता, इसलिए थैंक यू। चलते चलो उन से फिर पूछ लेते हैं। ओके अब बेटा आप उस पर इंजूर हुआ तो फिर भी आपका ये जो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था बोला है, तो फिर भी आपका फ्यूचर के लिए आपको क्या प्लानिंग रहेगा? हम एक बार हारे लेकिन एक बार हारने से कोई फायदा नहीं है, मतलब अपना वो कॉन्फिडेंस लेवल लो नहीं करना चाहिए, एक बार हारने में कोई गम नहीं हुआ। ओके वो दोबारा भी कर सकते हैं। एक जगह ठीक है सर, आपका क्या होगा ये प्लानिंग, आगे का प्लानिंग क्या रहेगा? आगे का प्लानिंग तो और भी आगे जाना चाहते हैं हम, क्योंकि हम मतलब हम जो गोल एम करके गया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा ये में ब्रॉन्ज में आ गया, लेकिन भी हम नेक्स्ट ईयर में तो श्योर गोल्ड को लेके आएंगे। वेरी 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 नाइस। ओके सर क्या बोलते हैं, जैसे कि आप गोल्ड मेडल लेके आए, आपका तो अल्टीमेट डेस्टिनेशन और दूसरा जगह पे होगा, तो आपका अभी जो खेलेगा आप कहाँ तो जाने का चांस है आपका? अभी तो इंटरनेशनल लेवल सिलेक्शन हो गया बट अभी भी उतना लेवल में प्रैक्टिस नहीं हुआ है, अच्छा से प्रैक्टिस करेगा। ठीक है आपका ये आप पर्सनली आपको कितना कॉन्फिडेंट है? कॉन्फिडेंट तो अच्छा। ओके ओके व्यूअर्स अल्टीमेटली ये जो है सर जो है लेगोबांगो का प्रेसिडेंट है, यूथ प्रेसिडेंट है, तो अल्टीमेटली उससे जानना चाहते हैं उसका भी एक रेस्पॉन्सिबल है एक यूथ प्रेसिडेंट होके, तो उसका लीडरशिप पे उसका प्रेसिडेंटशिप पे आज ये मैं यूथ टीम जो है एक आर्म रेसलिंग में इतना अच्छा रिकॉर्ड लेके आया, उसे जानना चाहते हैं एज वो ये यहाँ का यूथ प्रेसिडेंट होके उन लोगों को क्या एडवाइस है और आगे आने वाले दिन पे यूथ लोग को ऐसा चीज़ पे फील्ड में उन लोग एड्रेस होने के लिए ऐसा पार्टिसिपेट करने के लिए ऐसा ट्रेनिंग देने के लिए वो कितना एरिया को ये आपका मैसेज देते उसे जानना चाहते हैं। ओके सर ये आप क्या बोलते हैं एज यहाँ का लेगोबांगो प्रेसिडेंट होके उन लोग विनर लोगों को कितना विशिंग करता है और आने वाले दिन में यूथ लोग को ऐसा स्पोर्ट्स में ऐसा पार्टिसिपेट करने का आपका क्या एडवाइस? थैंक यू मीडिया टीम, मैं स्पेशली ईस्ट और हमारे यहाँ के जो आदि और गलो सोसाइटी का तरफ से और मैं यूएलबी के वाई प्रेसिडेंट और एबीके का भी लेगोबांगो यूथ का मैं प्रेसिडेंट हूँ, तो इसके नाते मैं मेरा अपना तीन जो भाई आज सिल्वर मेडल गोल्ड मेडल ब्रॉन्ज मेडल और गोल्ड मेडल जो आर्म रेसलिंग में जो लेके आया है, तो मैं बाकी जो आगे जो अभी मैंने जो फ्यूचर जनरेशन जो बाकी जो है मैं इन लोगों को भी मैं अपील करता हूँ कि जो स्पोर्ट के जरिए अपना जो नार्कोटिक्स जो है जो ये वाइन डिस्टिलरी या फिर ये ड्रग्स का वो सब कुछ छोड़ के स्पोर्ट में सब शामिल होना है, स्पोर्ट के जरिए आगे अपना सफर चलते रहना है, मैं इन तीनों को एकदम तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। सही बात। चलिए कैमरा सर चलते चलते वो सार को भी सब पूछे, वो जो सार जो है हम लोग का ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का जो बीजेपी का ये मंडल अध्यक्ष है तो वो भी आज विशिंग करने का आया है, ये विनर उसका क्या रिलेशन पे लगता है उसे जानना चाहते हैं। बहुत अच्छा बात है, जैसे कि सोसाइटी का जितना ये है रिश्ता लोग है अपना ये रिलेशनशिप है उनको आया है बहुत अच्छा बात है। तो व्यूअर्स ये वीडियो का तरफ से आप लोग को ये मैसेज है, आप लोग को ये आपका अप्रैल है जैसे कि अभी का जितना यूथ है ऐसा स्पोर्ट्स में एनी स्पोर्ट्स या क्रिकेट हो या फुटबॉल हो या बॉक्सिंग हो या आपका कराटे हो जैसे आप सोसाइटी पे ऐसा अच्छा काम करने से उन लोग सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा बात है और अपना कॉन्फिडेंस है आपका आने वाले दिन में उन लोग का एक लाइफ सिक्योर है उस किस्म से है, तो आप लोग उसको लेके एक इंस्पायर कीजिए अभी यहाँ ये नेशनल लेवल पर खेला उन लोग इंटरनेशनल लेवल पर भी जाने का चांस है बहुत अच्छा बात है, तो हम लोग ये होते हैं सारे मिलना चाहेंगे। थैंक यू।
ऐसा वाला सीन तो ले दो ना सही सही आगाम पे आगाम पे बोलो ना आदि गालों का ये बात है आगाम पे बोलो ना है, उसका मम्मी भी है सामने उसे कुछ करना है। चाहिए ओके तो ये दादी दुकान मेरा बेटा है ओके तो इन्होंने बस्ती में छोटा सा बस्ती इलाज का है तो उसमें ये बचपन से ही आम रसनी को बहुत पसंद था तो उससे उसकी तो इतना वो नहीं है डेवलप नहीं है तो ऐसे ही वो अपने से वो ये टेबल बना के खेलते खेलते फिर उसने एक बार दूसरे लेवल में आया उसके बाद वो स्टेट लेवल में मौका मिला उसके बाद वो नेशनल लेवल में गया फिर वो उस बार हार गया था कुछ भी लेके नहीं आया था तब तो ये कि यहाँ के लोग इतना जानते नहीं थे इसलिए वेलकम नहीं किया तो आज का दिन फिर इन्होंने ये दोनों को सिखाया वहाँ जाके ये दोनों जो है इसका चेला है जो गोल्ड मेडल लेके आया वो कोच एक क्लास में वो गोल लेके आ गया और कोच जो है सी लेके आ गया कोई बात नहीं और इन्होंने पार्टिसिपेट किया नेशनल लेवल में पार्टिसिपेट किया तो वो बहुत बड़ा बात है और नेक्स्ट टाइम ये पक्का जीत के आएगा मुझे पूरा विश्वास है और मेरा विश है मेरा ये विश है कि ये बच्चे सिर्फ आम रेसलिंग या कोई भी स्पोर्ट में सिर्फ ध्यान नहीं देना है उसको भी ध्यान देना है लेकिन सबसे ज़्यादा पढ़ाई पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना है उसके बाद साथ साथ ये कुछ डेकोरेशन की तरह है जैसे कि आम रेसलिंग में जाना स्पोर्ट में जाना तो पढ़ाई भी साथ में ध्यान देना है उसके बाद ड्रग्स यूज़ नहीं करना है सीधा मैं बोलती हूँ अगर ड्रग्स यूज़ किया तो इनका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा ये याद रखिएगा ये मेरे एग्जैक्टली व्यूअर्स जो 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 अभी जो मदर है वो प्रोफेशनली एक टीचर है उसका एक स्कूल का जो इंस्टीट्यूट भी है तो आप लोग को ये बताने भी अच्छा लग रही है मैडम जो है हम लोग का अरुणाचल का जो हिस्ट्री में जो आदि का हिस्ट्री में जो फिल्म बनाया एंग्लो आबर वार मदमुर जामुर पे ये मेन रोल लिया था जो भी वो फिल्म अभी तो नहीं निकला फ्लोर पे है तो मैडम का ये मैडम का कहना ये भी है एक जो गुरु जो है उसको सिखाया उसका गुरु होके उसका चेला जो है गोल्ड मेडल लेके आया ये भी बहुत अच्छा बात है जैसे कि गुरु अच्छा ये मैं स्टूडेंट को सिखाने से उसका स्टूडेंट भी और उससे भी आगे जा सकता है बोल के मैडम का कहना ये है तो चलिए थोड़ा सा ओके सर श्याम का थोड़ा सा आपको नमस्कार सबसे पहले ओके सर ये हम लोग का इस यंग फसीगत का ये बीजेपी का मंडल अध्यक्ष है तो देखा है अभी यहाँ ये पे बॉर्डर पे आया रुकसी पे आया जो विनर लोग को आप रिसीव किया फ्लोर ये आपका फूल दिया फ्लावर दिया तो एग्जैक्टली सर उन को क्या वेसिंग है तो रिलेटिवशिप में ये विनर लोग आपका क्या लगता है सबसे पहले स्वयं वॉइस को सुनने वालों को मेरा हार्दिक नमस्कार एक्चुअली ये सब ये नेशनल लेवल आर्म रेसलिंग में पार्टिसिपेट करने जब लोग गया था तो असल में ये तीनों मेरा बेटा है फिर भी इसमें जो बीच में खड़ा है ये मेरा खून है ये मेरा असली बेटा है इसीलिए मैं लोगों से यही प्रार्थना करूँगा कि फ्यूचर में और अच्छा करें क्योंकि आजकल सब मैंने स्पोर्ट्स से भी खाता है आदमी यहाँ से मोदी गवर्नमेंट में तो चमार से लेकर झाड़ूवाला से लेकर गरीब लेकर अमीर लेकर सबको सुविधा फैसिलिटी दिया हुआ है तो स्पेशली स्पोर्ट्स में तो बहुत फैसिलिटी दिया है तो स्पोर्ट्स से तो खाएगा ही खाएगा तो इसलिए और फ्यूचर में अच्छा ये मेरा काम ओके एक्चुअली व्यूअर्स ये व्यूअर्स ये सर का ये जवाब पे हम फिर उसका एक काउंटर आपका क्वेश्चन कर रहे हैं सर देखिए आप पासीघाट का बीजेपी का अध्यक्ष है तो साथ साथ पे आप नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का जो हम लोग इंडियन गवर्नमेंट के बारे में बोला गवर्नमेंट जो है स्पोर्ट्स पे जो भी चीज़ पे अच्छा चीज़ पे प्रमोशन दे रहा है इनकरेजमेंट दे रहा है बोला सर क्या बोलते हैं जी लड़का लोग को आगे चलने से और आगे फ्यूचर में लोग चलता है तो गवर्नमेंट का तरफ से या आप लोग बीजेपी गवर्नमेंट का तरफ से उन लोग को आने जाने का ऐसा जो प्रमोशन जो आपका स्पॉन्सर के लिए आप क्या बोलते हैं स्पॉन्सर के लिए तो वैसे अभी भी स्पॉन्सर में है लेकिन मेरा मैं ये सियोरिटी में कहता हूँ कि अभी स्पोर्ट्स के लिए भी सर्विस में फैसिलिटी है होता है स्पोर्ट्स कोटा से भी अभी सर्विस मिल जाता है तो इसीलिए मेरा गवर्नमेंट को थैंक देता हूँ और इन लोगों को भविष्य में अच्छा करने के लिए प्रेरणा करता हूँ ओके
दोनों हलों के मिलकर ही नाम गोविंद ही नाम हो गांव बोरा तब वो हलों में तक एक बार वो बत्तर पे इली मिला दिया आई रोड इनमें मोलू के फर्स्ट पे मोलू बत्ते आना अमान बोमा पकुना मोलू सांग बोलूं में मोलू प्रेजेंटेशन में भी इनमें प्रेजेंटेशन में मोलू के सर्कुल होलों के एडमिनिस्ट्रेटिव लोग रूटू मोलू रेस्पेक्टेड सीओ सर में वो विदो पर होना रुकिए तो सर में आगे मैं बिल्ली लड़े ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मिस्टर डायरी डुपाक में मोलू मंगे नाम गांपुरी यमुन मुसा हेलो नाम मामाने मिटाई कामला बराबर पार्टिसिपेंट अकोन बिम एक्चुअली मोलू बिम को होप थे बजर ऊपर इधर को अनफॉर्चुनेटली बिग केले खेलने के दौरान भी इंजरी हुआ है इसलिए वो कर नहीं पाया अपना तरीका से खेल नहीं पाया फिर भी सुरक्षित आया है यही सबसे बड़ा बात है तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे पीआरआई के मेंबर श्रीमती असीम सारो रेसलिंग अलग तीर के लोग लोग यामरिक लोग तीरकार ऊपर दूरी में दाखाम लोग के मालूम दाखाल है बिग नाम मानी नाम उनके बिलक सीओ सर लोग के बिग दूरी की दिन आवाम की दिन लोग के मुख आयार नाम ओ आऊं दोलू होके विलत बामिन दोलू होके गोल्ड मेडल आऊं सिल्वर मेडल आऊं ब्रोंज मेडल आऊं काबोला फिलो के लोगा होलो वो दोलू लो अंगुना आओ आऊं दोलू तक काम हिलों वो आयु को मिलो बोलो परिवार ऊपर है मोलु के नेशनल लेवल चैंपियन मोलु का मेंबर्स आऊं को बामिन विलत दोनों सबको आउट को आंकु ने इर्गा रूप ऐसे रूप गाली ना तकार ऐ रूप में बिदो इन्हें मैं वो लाइफ लो किलो लो था फर्स्ट टाइम मुलुक मैंने बामिन जिला तो नो नेशनल लेवल चैंपियन मुलुक है बिरो आउ आउं को मुलुक आपा दूं को इन्हें मैं मुलुक की हिस्ट्री लो बामिन जिला लेगो बांगो इन्हें मुलुक अरुणाचल आरा लो बामिन जिला दोलू हुए मुझे उसे पहले कोई दो इन्हें मैं वो के परसों ने वो बियो मिला मैं एक बात कर लीजिए मैं ज़्यादा कहने के लिए दिल नहीं है दिल नहीं है नहीं हूँ लेकिन मेरा दिल में जो छुट्टा आनंद भरा उसको मैं सह नहीं पा रहा आज का ये दिन बीला गांव के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिन है तो सभी वासियों जो भी अपना बेटा बेटी है उनको घर से एंकरेज करें ओरिजिनली दिस इज एंकरेजिंग फंक्शन देखा मैं हेलो के 45th नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप जीती होना सांग बोलो दोषी को वो बोलूं लोके तैयारी कर पाए मॉल पक्का में तब तो मैं जीरो के रोल ओके मॉल पक्का में आगे बोलिंग थ्री बिलाद बामिन यूथ के बारे में स्टूडेंट्स किधर है देख सोसाइटी किधर है रुक्सिन मेलो पक्का में ब्रो वेलकम नो इकोला पक्का में आप
नेक्स्ट टाइम ओके व्यूअर्स, ये बहुत अच्छा बात है। जैसे कि हम लोग का गोल्ड मेडलिस्ट का दीदी है, वो वॉलंटियरली आया है, वो भी कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं। तो आप उसका, ये मैं आपका दीदी है, तो उसका बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं और फ्यूचर में उन लोग अच्छा खेल खेलने के लिए आप क्या एडवाइस है? मैं फ्यूचर में ये बहुत बोलना चाहता है कि मतलब आने वाले दिनों में भी इससे और तरक्की करना चाहिए और सीखने से ये लोग खराब काम नहीं करना चाहिए कि बीड़ी सिगरेट ये सब दारू ये सब नहीं करना चाहिए और आने वाले दिनों में भी तरक्की और करना चाहिए और हारने से भी मायूस नहीं होना है कि आने वाले दिनों में भी और तरक्की करना है और हम हार के और हम जीतेगा सोचना है कि मतलब आगे हमेशा बढ़ना चाहिए। ये मैं बोलना चाहता हूँ कि मतलब सब एक साथ मिलके मतलब आगे बढ़ना है और आगे करना है और पढ़ाई में स्पेशली ये गेम इसको करते बोल के इतना नहीं और अपना पढ़ाई को भी ध्यान देना चाहिए कि मतलब पढ़ाई में भी कॉन्सेंट्रेट होना है और जो अभी ये लोग अमृत सिंह किया है और इसको भी मतलब पर जैसे कि पढ़ाई में ध्यान देता है और ये काम को भी वो लोग ऐसा ही मतलब करना चाहिए और आने वाले दिनों में भी अच्छी तरह काम करना है और दूसरा काम मतलब जो माँ बाप का नहीं बोलने लगे नहीं करना चाहिए और आने वाले दिनों में भी ऐसा ही करना। एकदम ए दीदी जी बहुत अच्छा बात बोला। उसका एडवाइस ये है बाय लोग को जो भी खेल धूल करने वाले बीड़ी सिगरेट जो भी एनी ड्रग्स आइटम्स यूज़ नहीं करना है, पढ़ाई के साथ साथ में स्पोर्ट्स भी मेंटेन करो बोला। ये बहुत अच्छा बात है।